says the atomic number of the element having the maximum number of unpaired 3p electrons in the ground state. 3p electrons में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड, ठीक है. सो 3p में मैक्सिमम या p में बेसिकली मैक्सिमम कितने अनपेड आ सकते हैं? तीन अनपेड. यानी ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जहाँ पे 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लेते हैं. 15 दिया है आपको, ठीक है. 10, 15 बेसिकली कौन है हमारे पास? फॉस्फरस. 10 कौन है? नियॉन. अगर 20 तक का एटॉमिक नंबर्स पता है तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे. 12 कौन है हमारे पास? मैग्नीशियम. 8 कौन है हमारे पास? ऑक्सीजन. ठीक है, एलिमेंट्स नहीं भी पता है तो भी बस हमें क्या देखना है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड चाहिए. नियॉन, इसके पास तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, ये तो पहले ही कट हो जाता है. इसके पास तो 2p6 होता है तो ये तो नहीं आ सकता, ठीक है. मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, 4s2 जाता है, ठीक है, तो ये भी नहीं, सॉरी s में जाते हैं, वो भी लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ये भी नहीं होगा. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं. 1s2, 2s2, 4, है ना. इसके में इसमें पी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन मैक्सिमम नहीं है. मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? वो किसके पास होते हैं? फॉस्फरस. कॉन्फ़िगरेशन नंबर लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p. तो मैक्सिमम यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि किसमें होंगे? फॉस्फोरस के पास, ठीक है. तो कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक कर सकते थे या फिर एलिमेंट से अगर आइडिया है हमें थोड़ा बहुत, ब्लॉक केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल तो और थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर हम निकाल सकते.